हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपको बताएंगे अपराजिता के पौधे को बीज से कैसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और वो भी तुरंत पौधे से बीज को तोड़कर ग्रो करना। यानी कि प्लांट से हमने कलेक्ट किए हैं सीड्स और उनको तुरंत ग्रो कर दिया है, और केवल 25 दिन के अंदर काफ़ी अच्छे पौधे हमें मिल गए हैं। तो कैसे ग्रो करना है, यही आज आपसे शेयर करेंगे। तो स्टार्टिंग में जो ये वीडियो हम शेयर कर रहे हैं, ये जब हमने पौधे को प्रून नहीं किया था, कटिंग नहीं की थी, उससे पहले का है। जब ये बेल की तरह चल रहा था तब भी हमें अच्छे फ्लावर्स दे रहा था। लेकिन काफ़ी ऐसे व्यूअर्स होते हैं जिनके पास ज़्यादा जगह नहीं होती है, वो अपराजिता के पौधे को बुश की तरह ग्रो करना चाहते हैं, छोटे से प्लांट की तरह। तो उसको हमने कैसे बुश बनाया था ये आपसे शेयर किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी, ज़रूर चेक कीजिए, और उसके बाद की फ्लावरिंग आपको वीडियो के एंड में मिलेगी। तो अभी हम फिलहाल, जैसे कि ये हमारा सफ़ेद अपराजिता है, सफ़ेद और नीला अपराजिता एक ही तरह से ग्रो किया जा सकता है। कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये सफ़ेद अपराजिता है जिस पर कुछ फलियां हमने तैयार होने के लिए रहने दी थी, और ये बुश की तरह जब हमने प्लांट तैयार किया था उसके बाद का रिजल्ट है। यानी छोटी झाड़ी है ये अपराजिता की, और इस पे जो सीड्स हैं वो हमने रहने दिए थे, वो अब पक कर तैयार हो गए हैं। इस तरह की ये फलियाँ होती हैं। जब ये फलियाँ कच्ची होती हैं तब ये हरी होती हैं, और जब ये पककर तैयार हो जाती हैं तो इस तरह से ये वाइट कलर में, हल्का क्रीम शेड में तैयार हो जाती हैं। तो इससे आप पहचान कर सकते हैं कि अब फलियाँ बन चुकी हैं, पक चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं। अब इसको आप कलेक्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं प्लांट से, और इन सीड्स को आप डायरेक्ट भी ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने ये तीन फलियाँ प्लांट से तोड़ ली हैं, अब इनके जो सीड्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। जो सफ़ेद अपराजिता है उनके जो सीड्स होते हैं, या तो वो हल्के मैरून कलर में होते हैं या हरे कलर में होते हैं, जैसे मूंग की दाल का दाना होता है। लेकिन जो नीली अपराजिता होती है उसके बीज ब्लैक होते हैं, यानी काले रंग के बीज होते हैं। तो इससे आप पहचान कर सकते हैं कि ये सफ़ेद अपराजिता के बीज हैं या ये नीली अपराजिता के बीज हैं। तो देखिए, बिल्कुल मूंग की दाल की तरह हरे रंग के हैं, ये मैरून भी हो सकते हैं, तो ये इसकी पहचान होती है। तो अभी हम सफ़ेद अपराजिता के सीड्स ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसके ही सीड्स पककर तैयार हुए हैं। नीली पर अपराजिता पर अभी सीड्स नहीं बने हैं। तो ये एक मधुकामिनी का पॉट है, कोई स्पेशल सॉइल मिक्सचर तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी पॉट में आप इस तरह से सीड्स को रख दीजिए, बहुत जल्दी ये जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये काम हमने 20 अगस्त को किया था। तो अपराजिता के बीज आप लगभग फरवरी से लेकर अगस्त तक कभी भी ग्रो कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, और बहुत जल्दी ये सीड्स जर्मिनेट होते हैं। तो इसको हमने 9 दिन के बाद देखा, तो देखिए एक पौधा निकल आया है। हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई थी इसीलिए 9 दिन लग गए, नहीं तो ये 5 दिन के अंदर अंदर पौधे जर्मिनेट हो जाते हैं, जो सीड्स हैं ये जर्मिनेट हो जाते हैं, और इनसे मिट्टी के अंदर से पौधा बनकर तैयार हो जाता है। तो अब आप देखिए, केवल 24 डेज में, 24 दिन के अंदर अंदर ये जो प्लांट्स हैं, हमने 4 सीड्स ग्रो किए थे, चारों सीड्स ग्रो हो गए, यानी 100% रिजल्ट है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, यानी कोई देर से जर्मिनेट होता है, कोई जल्दी भी जर्मिनेट हो जाता है, लेकिन 100% रिजल्ट है। डायरेक्ट पेड़ से हमने पौधे की फलियां को तोड़ा, उनसे सीड्स निकाला और उनको ग्रो किया, और केवल 24 दिन के अंदर आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। ये थोड़ा सा कम या ज़्यादा दिन भी हो सकते हैं, यानी कि कभी कभी 20 दिन में इतने बड़े पौधे बनकर तैयार हो सकते हैं, और कभी कभी 30 दिन भी लग सकते हैं। ये आपके यहाँ के मौसम, जो टेम्परेचर है या जो नमी है मिट्टी की, उस पर डिपेंड करता है। तो जब भी कोई सीड ग्रो करें तो उसमें हल्की नमी ज़रूर बना कर रखें। तो फिलहाल एक पौधे को बाहर निकाल कर देख लेते हैं। तो इस तरह से केक की तरह, जैसे हम केक कट करते हैं, मिट्टी के आप चारों तरफ कट लगा दीजिए और ये पौधा मिट्टी के साथ ही बाहर आ जाता है। तो ये जो रूट्स हैं, ये इस पौधे की रूट्स नहीं है, ये मधुकामिनी के पौधे की रूट्स हैं, जो कि प्लांट मधुकामिनी के पॉट में लगा हुआ था। तो अभी हम दिखाते हैं कि इनकी रूट्स कैसे बनी है। तो अभी ये एक छोटा पॉट रखा हुआ था जिसमें पहले ही मिट्टी बनी हुई है, आधी मिट्टी आधा खाद मिला सकते हैं आप, इस तरह का सॉइल मिक्सचर तैयार कर सकते हैं इनको ग्रो करने के लिए। तो जो ये दो पौधे हमने बाहर निकाले हैं, दो उसी में ही रहने दिए हैं पॉट में। तो ये जो रूट्स हैं, ये मधुकामिनी की रूट्स हैं, नीचे की तरफ इतनी ज़्यादा रूट्स इसमें नहीं बनी है, क्योंकि अभी छोटा बेबी प्लांट है ये, तो इसमें कुछ ही रूट्स हैं। लेकिन आपका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हमने मिट्टी से पूरा प्लांट हटाकर आपको दिखाया है। आप ऐसा ना करें, आप मिट्टी के साथ ही इसको डायरेक्ट लगा दें, नहीं तो जब रूट्स पर से सॉइल हट जाती है, जड़ों पर से मिट्टी हट जाती है, तो फिर प्लांट शॉक में जा सकता है। इसीलिए कोशिश कीजिए ऐसा कैसा उसको निकाल कर केक के टुकड़े की तरह कट करके और उसको मिट्टी में दूसरे पॉट में रख दीजिए। तो दो पौधे हमने निकाल लिए हैं और इनको दोनों को फिलहाल एक ही पॉट में लगा देते हैं। ये केवल आपको दिखाने के लिए ही हमने ग्रो किए थे, हमारे पास ऑलरेडी प्लांट्स हैं। तो काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट्स थे कि अपराजिता को आप ग्रो करना बताइए, किस मौसम में ग्रो करते हैं, तो इसीलिए आज की वीडियो ये हम शेयर करना चाहते थे।
तो फिलहाल पॉट में हमने इन प्लांट्स को लगा दिया है, अब हल्की वाटरिंग कर देते हैं और शुरू के 2-3 दिन आप इनको धूप में ना रखें, उनको छाया में रखें और फिर आप इनको डायरेक्ट हल्की धूप में रख सकते हैं और फिर आप कहीं भी रख सकते हैं। ऐसे ही ये प्लांट हमने पहले तैयार किया था वीडियो शेयर करने के लिए ही, लेकिन उसमें क्या हुआ, हमने गुड़ाई कर दी थी मिट्टी की, तो बाकी के जो पौधे थे वो उसमें जो सीड्स थे वो जर्मिनेट नहीं हो पाए थे, हमें याद नहीं रहा कि इसमें हमने सीड्स ग्रो किए हुए हैं। तो जो 3 सीड्स ग्रो किए थे उसमें एक ही पौधा चल पाया, क्योंकि मिट्टी की गुड़ाई करने से वो सीड्स सारे बाहर आ गए तो वो ग्रोथ नहीं कर पाए, तो फिर भी एक पौधा उसमें बन गया था। लेकिन फिर हमने दोबारा से वीडियो नई शूट की थी आपके लिए, तो देखिए छोटा प्लांट है, सीड से ग्रो किया था और कुछ ही दिन में काफ़ी अच्छा प्लांट बन जाता है और कलियाँ आप देखेंगे पूरा पौधा कलियों से भरा हुआ है, बहुत सारी छोटी छोटी कलियाँ आई हुई हैं और इसमें फ्लावर्स भी आए हुए हैं। कुछ दिन बाद इसमें एक ऐसा फूल देखने के लिए मिला जो कि थोड़ा अलग ही शेप का था, तो ऐसा म्यूटेशन हो जाता है। और फिर एक दिन इसमें इस तरह का फूल देखने के लिए मिला जो कि 2 फूल जैसा लग रहा था, लेकिन ये एक सिंगल फ्लावर ही था, तो ये भी म्यूटेशन है। कलर में चेंज हो जाना या उसकी आकृति में, उसके शेप में चेंज हो जाना, आकार में चेंज हो जाना, ये सब म्यूटेशन के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें ये म्यूटेशन हुआ जिसमें कली तो एक ही थी लेकिन फूल इसमें 2 तरह के बन गए, यानी ऐसा लग रहा था जैसे 2 फूल जुड़ गए हों, तो ये भी अपने आप में अद्भुत ही था और बहुत खूबसूरत ये फ्लावर लग रहा था। तो नीचे से भी आपको दिखाएंगे कि नीचे से देखिए एक ही तरह का फूल है ये, जबकि इसी प्लांट पे इस तरह के फ्लावर्स आते हैं सिंगल वाले। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे हमारी नीली अपराजिता में, जो कि सिंगल पेटल वाली नीली अपराजिता है, उसमें डबल पेटल वाला फ्लावर खिल गया था। तो ये म्यूटेशन तो होते ही रहते हैं, यही प्रकृति का चमत्कार होता है। तो अब हमारा ब्लू अपराजिता भी आप देख लीजिए, नीला अपराजिता जिसको हमने झाड़ी की तरह बनाया था और कुछ दिन पहले ही आपसे शेयर किया था, और अभी आप देख सकते हैं कि पूरा प्लांट कलियों से भरा हुआ है और काफ़ी सारे फ्लावर्स भी आए हुए हैं। तो ये आपसे रिजल्ट शेयर करना था कि जो काम हम आपके सामने करते हैं, आपको दिखाते हैं, तो वो जानकारी सही होती है, आप उन पर विश्वास कर सकते हैं इस तरह से, और अपने प्लांट को इस तरह से बुश की तरह भी ग्रो कर सकते हैं, बेल की तरह भी ग्रो कर सकते हैं अपराजिता को। और इसका ग्रोइंग सीजन सीड से ग्रो करने का जो टाइम है वो बताया ही है, फरवरी से लेकर अगस्त तक कभी भी सीड से ग्रो कर सकते हैं। और सर्दियों में ये प्लांट ग्रोथ नहीं करता है, सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, तो आप अगले साल इसको नए बीजों से भी तैयार कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और जो लास्ट ईयर का प्लांट है उसी को ही आप दोबारा तैयार कर सकते हैं। फरवरी में कैसे प्लांट ठीक करना है, वो जो हमारा लास्ट ईयर का प्लांट है, इस पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी, ज़रूर चेक कीजिए। ये प्लांट जो है हमारा लगभग 2.5 साल से भी ज़्यादा पुराना है, लेकिन फिर भी हमें फ्लावर्स देता है। जो सीड से ग्रो किए हुए प्लांट होते हैं वो ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं, जो लास्ट ईयर के प्लांट होते हैं या 2-3 साल पुराने होते हैं वो थोड़ा कम फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन फूल वो भी देते हैं, तो आप उनको भी सेव कर सकते हैं और सीड से भी ग्रो किए हुए प्लांट ग्रो कर सकते हैं। अब सर्दियां शुरू हो जाएंगी तो धीरे धीरे इसकी फ्लावरिंग भी बंद होगी, पत्तियां भी झड़ जाएंगी और प्लांट सूखा हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है अपराजिता प्लांट के बारे में या किसी और प्लांट के बारे में भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं और फोटोज़ इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हमसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।